बात है, इंडिया कह सकता है बिकॉज इंडिया गोज विद द कैश, और वो बड़े वेपन्स अपनी मार्केट उसने ओपन रखी हुई है। वो इसराइल के पास भी जाता है, वो फ्रांस के पास भी जाता है, वो रशिया के पास भी जाता है, वो अमेरिका के पास भी जाता है, बिकॉज ऑफ देयर जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ साथ जो उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, दैट हेल्प्स देम टू क्रिएट देयर फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी कायम रखने में। इंडिया इस हवाले से ज्यादा आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। अमेरिका ने तुर्की के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो पाकिस्तान को जो 30 हेलीकॉप्टर उन्होंने देने थे, उन हेलीकॉप्टर्स का नाम था अटैक 2, ATAK T-129 उसको कहते हैं। ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर था जो तमाम वेदर्स में काम करता था, और एक अटैक हेलीकॉप्टर था, और दूसरा ये कि इसकी इंटेलिजेंस कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर था। और पाकिस्तान ने के पास जो पाकिस्तान के पास तकरीबन 48 पुराने जो थे वो Bell AH-1F जो है, जो हमारे पास एक बेड़ा था हेलीकॉप्टर्स का, हम उससे इसको तब्दील करना चाह रहे थे, और ताकि हम जो है वो हमारी जो जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी जो एविएशन की, जो आर्मी एविएशन की, या जो वो हम उसको अपग्रेड कर सकें। और ये तकरीबन $1.5 बिलियन की डील थी, और ये टर्की के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि ये जो टर्किश मेड हेलीकॉप्टर जो थे, ये उनको एक बहुत बड़ा पुशबैक मिला है, और उसकी वजह यह है कि ये उनकी जब से उन्होंने ये बनाए तो उनके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज था। अब टर्की पे क्यों सैंक्शंस लगी हैं कि वो पाकिस्तान को नहीं बेच सकता? बेसिकली तो टर्की, अमेरिका ने डबल जिसे आप कह लें गेम की है। एक तो ये है कि उन्होंने टर्की को भी सैंक्शन किया और हमें भी साथ वो उन्होंने सैंक्शन कर दिया कि जी हमें नहीं बेच सकते। मैं इस पे भी आऊंगा कि अमेरिका पहले पाकिस्तान को किस तरह दबाता रहा है और आइंदा इससे क्या हो सकता है। देखें, जो टर्की है वो लेना चाह रहा था, उसने बेसिकली जो फैसला किया है कि लिया कि जी हमने S-400 मिसाइल लेने हैं रशिया से, उससे पहले टर्की ये कहता रहा अमेरिका को हमें पैट्रियट 8 डिफेंस मिसाइल सिस्टम दें, जो कि अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया। अब जारी बात है वो टर्म्स एंड कंडीशन जारी बात है वो सेट ना हो सकी, लेकिन समहाउ टर्की रशिया के पास चला गया। अब जब अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शन किया तो वो जारी बात है जो जो टर्की की जो टर्किश एयर एरोस्पेस इंडस्ट्री है, उसने बेसिकली इन कोलैबोरेशन एक यूरोपियन फॉर्म के साथ ये काम किया था, ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ, कि वो ये हेलीकॉप्टर डिजाइन किया था, और एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में ये काम कर सकता, हाई एनवायरनमेंट में, डे एंड नाइट में काम कर सकता था। और अमेरिका जो था वो उसको जारी बात है डील पसंद नहीं थी, उन्होंने इस पर साइन कर दिया, और वो पहले ही कह चुके हैं कि जो इस तरह के हमारे जो एनिमी कंट्री से जब कोई प्रोडक्ट लेंगे, कोई चीज लेंगे, तो हम उसको जो है सैंक्शन कर सकते हैं। अभी अब ये जो, हालांकि टर्क्स ने इसके लिए एक लॉबिंग फॉर्म भी हायर की, वो अमेरिका के अंदर उसे $25,000 दे रहे थे वो पर मंथ के, वो ताकि अमेरिका में कांग्रेस में कोई लॉबिंग शॉपिंग कर सके, लेकिन वो किसी काम की लॉबिंग नहीं रही। अच्छा, अमेरिका ने इन अदर वर्ड्स स्नब किया है टर्की को, और अमेरिका ने हमें भी स्नब कर दिया, ठीक है जी। उससे पहले अगर ये देखा जाए कि अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ये T-120 हेलीकॉप्टर तो नहीं ले रहा, लेकिन हम Z-M10E एक चीनी साख्ता एक हेलीकॉप्टर है शायद वो लेंगे, Z-10ME लेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि अमेरिका का जब किसी मुल्क के साथ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो पार्टनरशिप नहीं रहती, तो अमेरिका फिर आपके साथ उस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह वो पहले कर रहा होता है। पाकिस्तान और अमेरिका की बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे पिछले 15 साल, लेकिन मैंने बहुत पहले ही ये कहना भी शुरू कर दिया था, और भी बहुत सारे पाकिस्तान के एनालिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को जो अपने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है जो कि हमारा चाइना के साथ है, वो अमेरिका के साथ भी रखने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें जो अपने ताल्लुकात हैं वो सिक्योरिटी से आगे लेके जाना चाहिए। सिर्फ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में अगर हम ताल्लुकात बनाएंगे तो वो काम नहीं आएंगे, हमें ताल्लुकात की नोयत बदलनी पड़ेगी। उसके लिए जब आपने ताल्लुकात की नोयत बदलनी होती है तो देन आपने अपना सारे का सारा स्टेट अपरेटस बदलना होता है। वो जो स्टेट अपरेटस बदलेंगे उसके लिए आपको देखना ये है कि भाई उस स्टेट अपरेटस के अंदर आपने आपने जो सोशियो पॉलिटिकल
इकोनॉमिक नीड्स इस तरह की क्रिएट करनी होती हैं कि हम जब किसी दूसरे मुल्क के साथ डील करें तो उस तरह हम इस तरह की डील करें कि हमें उससे एडवांटेजेस मिल सके और हम उसके लिए काबिले कबूल हों, या हम उसके लिए अच्छे तरीके से जो है वो काम जो है वो कर सकें, ताकि उनको ये लगे कि यार इस मुल्क की हमें जरूरत है। जैसे इंडिया के साथ अमेरिका का कोऑपरेशन बहुत हाई लेवल पे चला गया। जब कोल्ड वॉर एंड हुई तो अमरीका ने हम पे सेंक्शन लगा दी, प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई। अच्छा, हमें 10-12 साल वो फिर सेंक्शन में गुजारे, फिर न्यूक्लियर के हो गए, फिर सेंक्शन में आ गए, तो हम एक बड़े बुरे फेज में रहे हैं। तो अमेरिका के हम लेफ्ट में रहे हैं, तो अभी भी इस तरह लग रहा है कि हम शायद अमेरिका के लेफ्ट में ही रहेंगे, राइट में हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक तो हमारी क्लोजनेस है टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स टर्की, तो वो जो ब्लॉक सारा बन रहा है हम उस ब्लॉक में फिट कहीं नहीं हो पा रहे। अब अगर टर्की हमें ये वेपन्स नहीं, ये हेलीकॉप्टर नहीं दे पाता, तो हमारे पास क्या चॉइस है? हम चाइना के पास चले जाएंगे, चाइना से वो ले लेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया भी प्रेशराइज करता है, इंडिया भी प्रेशराइज करता है, और वो प्रेशराइज ये करता है कि जनाब इंडिया ये प्रेशराइज करता है वेस्ट यूरोपियन ममालिक को कि जहां जहां से पाकिस्तान अगर आपसे लेगा तो फिर हम आपसे असला नहीं लेंगे। मैं बहुत सारे आई अंडरस्टैंड पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं मिला हूँ, जिन्होंने ये हमें बताया है कि भाई योर इंडियंस जो हैं वो हमें कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान को असला बेचा तो आप हमें असला हम आपसे नहीं लेंगे। तो जारी बात है, इंडिया कह सकता है बिकॉज इंडिया गोज विद द कैश, और वो बड़े वेपन्स अपनी मार्केट उसने ओपन रखी हुई है। वो इसराइल के पास भी जाता है, वो फ्रांस के पास भी जाता है, वो रशिया के पास भी जाता है, वो अमरीका के पास भी जाता है, बिकॉज ऑफ देयर जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ साथ जो उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, दैट हेल्प्स देम टू क्रिएट देयर फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी कायम रखने में, फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में बड़ी ऑटोनॉमी होती है। सो मैं समझता हूँ कि इंडिया इस हवाले से ज्यादा आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, बिकॉज हमें एक तरफ से तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर जगह से जाकर खरीद सकें, अगर हम खरीदना भी चाहें तो वो हमें नहीं खरीदने देंगे। हालांकि जो हमने ये 2017 में ये फैसला किया एक प्रॉपर एक चेक करके वेरीफाई करके कि ये हेलीकॉप्टर हमारे लिए अच्छे हैं और हमें इसका जरूरत रहेगी, ये 30 हेलीकॉप्टर हम $1.5 अरब के लेंगे, तुर्की के उसको अलहदा फायदा होना था लेकिन हमें इसका ज़्यादा पता है अलहदा फायदा होना था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ समझने की है और जिस चीज़ की मुझे फिक्र है वो ये है कि कोऑपरेशन पाकिस्तान को अमेरिका के साथ इतना लो स्केल पे आ चुका है कि उसमें ऑटोमेटिकली हमारी जो जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर हम किसी के साथ कोऑपरेशन करेंगे मिलिट्री, वो प्रॉपर नहीं होगा, हमें मजीद सैंक्शन लगने का भी खदशा है, चीन के ज्यादा करीब है, अमेरिका को ये भी बुरा लगता है, सी पैक पे भी अमेरिका हम पे जो है वो बहुत सारी जगहों पे वो क्वेश्चन मार्क लगाएगा, FATF में हम ऑलरेडी थे, फिर अफगानिस्तान में जो उन्होंने अपना प्लान नया दिया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने उसको कबूल कर लिया, वेलकम किया है और ये कहा है कि वो इसको कैरी ऑन करें, लेकिन द पॉइंट इज के हमारी जो ऑटोनॉमी है इट इज गोइंग समवेयर इन अ वेरी बैड शेप।